ग्रामीण चौकीदारों की मीटिंग हो गई मंत्री के साथ और 3:30 बजे ग्रामीण सफाई कर्मचारी ये लोग विनोद बबली जो मंत्री के भाई है मनोज बबली इन्होंने ये भरोसा हमें दिया है और इस आधार पर हम इनको ज्ञापन अपना हालांकि भेज चुके वो फिर भी ज्ञापन की कॉपी हम इनको अवेलेबल करवा रहे उपलब्ध करवा रहे ताकि इस दिन में मंत्री साहब अफसरों से जो भी पूछना ताछना होगा पूछ लेंगे बात कर लेंगे ताकि 28 तारीख को ठोस बात हो पाए। तो साथी 20 मार्च तक बात करवाने की हाँ शायद आपने ही की थी शायद या फिर लेकिन वह ना बना या तो 28 तारीख की जो बात कही है या पूरी कर मीटिंग में क्या होगा क्या ना होगा वो तो बात मेरी है लेकिन जो टाइम दिया है ना वो टाइम के ऊपर मंत्री साहब अवेलेबल हो उपलब्ध हो मीटिंग में ये जरूर हम इनसे आश्वासन चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आपका ऑफिस है सारे चाय पानी पी के फिर जाइए आराम से। और दूसरी बात मैं कहें कि उस दिन भी ज्ञापन मैंने लिया था आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ जिन कोई मंत्री जी की मीटिंग थी चंडीगढ़ वो आ नहीं सके थे आज पहले ही मंत्री जी से ठोस बात करके 28 तारीख को 3:30 बजे 110% आपकी मीटिंग करवाएंगे जिस तरह का ये प्रदर्शन जोनल प्रदर्शन हमने यहाँ टोहाना में किया है इस प्रदर्शन के अंदर जींद से हिसार से सरसा फतेहाबाद और कैथल का जो कलायत ब्लॉक है कुल मिला के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने आज इस प्रदर्शन के अंदर हिस्सेदारी की है और अंततः पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का जो विधानसभा कार्यालय है यहाँ BDO ऑफिस से शुरू करके और पंचायत मंत्री के विधानसभा कार्यालय तक ये प्रदर्शन करते हुए हम पहुँचे। वहाँ पर पंचायत मंत्री के नुमाइंदे उनके जो भाई हैं मनोज बबली और उनके जो PA हैं निशांत कामड़ा वो हमें मिले उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेकर उन्होंने मंत्री के साथ 28 तारीख को यानी 28 जून को 3:30 बजे वार्ता हमारी तय करवाई है। 3:30 बजे 28 जून को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों की वार्ता होगी। हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी वार्ताएं हुई हैं 20 अगस्त को यहाँ वार्ता हुई थी मंत्री के साथ 26 दिसंबर को चंडीगढ़ उनके आवास पे 1 घंटे से ज़्यादा समय की वार्ता हुई थी और इन दोनों ही वार्ताओं के अंदर पंचायत मंत्री ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही आपकी मांगों का समाधान करेंगे। उसके बाद मंत्री के कहने पर ही 23 जनवरी को ATS की अध्यक्षता में पंचायत डिपार्टमेंट और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित CITU की मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग के अंदर मुद्दा दर मुद्दा एक एक सवाल के ऊपर विस्तार से हमारी चर्चा हुई लेकिन 3 ही मुद्दों पर उन्होंने आश्वासन दिया। उस मीटिंग के अंदर उसकी प्रोसीडिंग भी जारी हुई कि 2000 रुपये सालाना
औजारों का भत्ता, 100 रुपये मासिक धुलाई भत्ता और 3% बढ़ोतरी हम कर देंगे। उसकी फाइल चली हुई है, लेकिन वो फाइल की जो रफ्तार है वो कीड़े की चाल है। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री की टेबल पर गई थी और आज कुल मिला के 25 जून हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो उस फाइल को क्लियरेंस नहीं मिली है, उसका चिट्ठी जारी नहीं हुई है। सवाल वेतन बढ़ोतरी का नहीं है, सबसे प्रमुख जो सवाल आज के दिन, वो प्रमुख सवाल ये है कि वेतन बढ़ जाएगा, महंगाई साथ के साथ बढ़ जाएगी, और जितनी में वेतन बढ़ोतरी होगी उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, गरीब लोगों का जीना जो है वो और ज़्यादा कठिन हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज सफाई का जो काम है वो सफाई का काम परमानेंट है। हर रोज़ गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी, हर रोज़ गांव की गलियां, गांव की नालियां वो साफ़ करनी पड़ेंगी। जब काम परमानेंट है, स्थाई है, तो ये काम करने वाले कर्मचारी कब के क्यों हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल को लेकर हमने बिल्कुल साफ तौर पे पहले की मीटिंगों में भी और 28 जून को जो मीटिंग होगी उसके अंदर भी हम ये कहेंगे सरकार से, मंत्री से, कि आप इन सफाई कर्मचारियों को पक्का करो। अगर आप लोगों ने इनको पक्का नहीं किया, सम्मान काम सम्मान वेतन लागू नहीं किया, ये गुलामी व्यवस्था जो थोप रखी है पंचायतों के अधीन करके, अगर गुलामी से मुक्ति नहीं दिलाई, तो ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी और जेजेपी को धूल चटवाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव में, हर मोहल्ले के अंदर हम अभियान चलाएंगे और अभियान को तेज़ करते हुए आंदोलन को तेज़ करेंगे। इसलिए मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ पंचायत मंत्री से, हरियाणा सरकार से, कि 28 तारीख को जो वार्ता होगी 3 दिन बाद, उस वार्ता के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के जो मसले हैं उनका निदान वो करें बिना किसी देरी के, ताकि इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को राहत मिल सके। अगर इन्होंने इस बार भी वायदा खिलाफी की तो आने वाले समय के अंदर हम मुँह तोड़ जवाब हरियाणा की सरकार को, पंचायत मंत्री को देंगे, यही हम कहना चाहते हैं।